इस सेशन में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखेंगे। एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। तो हम एलसीएम और एचसीएफ को सीखें इससे पहले हमें ये जानकारी होना जरूरी है कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑल दोज नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर। तो फैक्टर वो नंबर होते हैं जो दिए हुए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2 and 4 आर द फैक्टर ऑफ 4। अब यहाँ पर हमें 1, 2, 4 फैक्टर दे रखे हैं 4 के, यानी कि 1, 2 और 4 4 के ही फैक्टर हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो 1 4 को पूरी तरह से डिवाइड करता है। एग्जैक्टली डिवाइड यानी कि जहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो हो, एग्जैक्टली डिवीजन हम उसको बोलते हैं जहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आता है, ठीक है, या ज़ीरो बचता है हमारे पास रिमाइंडर। तो अगर हम 4 को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, और अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आएगा। वह नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। इनके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो 4 को पूरी तरह से डिवाइड करता हूँ। अगर 1, 2 और 4, अगर मैं यहाँ 3 को लूँ और 3 से 4 को डिवाइड करूँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1 point something आएगा, 1.33 एंड सो ऑन। तो वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा 3, 4 को, इसलिए 3, 4 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर दोज नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर, यानी कि वह नंबर जो दिए हुए नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल हों। फॉर एग्जाम्पल द मल्टीपल ऑफ 4 आर 4, 8, 12 and 16। मल्टीपल फैक्टर्स के बिल्कुल रिवर्स केस है। अब जो यहाँ पर फैक्टर हैं वो 4 को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, लेकिन जो यहाँ पे मल्टीपल हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मल्टीपल यहाँ पर हमारे पास 4 के हैं एग्जाम्पल के रूप में, 4, 8, 12, 16। अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो वह नंबर जो दिए हुए नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल हो वो मल्टीपल्स होते हैं। ये यूँ कह लो कि 4 का टेबल है ये, ठीक है, 4 का टेबल कि 4 के मल्टीपल्स हैं। तो ये डिफरेंस हुआ हमारे पास फैक्टर और मल्टीपल्स में। फैक्टर्स वह नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करे, और मल्टीपल्स वह नंबर जो दिए हुए नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल हो। इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर। अब हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। फैक्टर्स ऑफ 4, 7, 8, 9, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिए जिनके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। अगर मैं 4 के फैक्टर देखूँ यहाँ पे तो 4 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4, है ना। सिमिलरली अगर यहाँ 7 के फैक्टर देखे हों तो 7 के फैक्टर 1 और 7, 8 के फैक्टर 1, 2, 4, 8, 9 के फैक्टर 1, 3, 9। अब हमने इन्हीं नंबर्स को ही इनके फैक्टर्स क्यों लिया, क्योंकि अगर हम 4 को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा और यहाँ हमारे पास 4 आएगा, और अगर 4 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करें तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा और हमारे पास आंसर 1 आएगा, ठीक है। और सेम ऐसे अगर 7 को 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा और ये 7 आएगा, 7 को 7 से करेंगे तो आंसर 1 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही अगर 8 को 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 और आंसर में 4, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह से आप इन सबको चेकआउट कर सकते हैं कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा, यानी कि ये 4 इन फैक्टर से पूरी तरह से डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिवाइड है इन नंबर से। अब हम कुछ एग्जांपल मल्टीपल्स के भी ले लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ, अब
इन्हीं नंबर को ले रहे हैं, इनके मल्टीपल्स देखेंगे हम 4, 7, 8, 9। 4 के मल्टीपल 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। 7 के मल्टीपल 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन। 8 के मल्टीपल 16, 24, 32, 40 सो ऑन। 9 के मल्टीपल 18, 27, 36, 45 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मल्टीपल्स है वो टेबल ही है एक तरह के, है ना। 4 का टेबल है ये, 7 का टेबल है, 8 का टेबल है और 9 का टेबल है। तो जो ये नंबर्स हैं हमारे पास मल्टीपल्स है वो इन नंबर से डिविजिबल होंगे। कैसे? अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा और आंसर 2 आएगा। 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा और आंसर 3 आएगा। 16 को 4 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 और आंसर में 4। इसी तरह से आप अगर देखें तो ये सभी नंबर इस नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो ये इसके मल्टीपल्स हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फैक्टर्स में हमारे पास जो 1 है वो सभी का फैक्टर है, है ना। नंबर 1 हमारे पास सभी का फैक्टर है। तो आप कोई भी नंबर ले लो, 32, 132, 45 कोई भी नंबर ले लो, वो 1 से पूरी तरह से डिविजिबल होता है। तो 1 सभी का फैक्टर होता है। इसके अलावा 1 के अलावा वह खुद जो नंबर है जिसके हमने फैक्टर फाइंड आउट करने हैं वो भी खुद का फैक्टर होता है। अब 4 भी 4 का फैक्टर है, 7 भी 7 का फैक्टर है, 8 भी 8 का फैक्टर है और 9 भी 9 का फैक्टर है। तो 1 या वो खुद नंबर जिसके हमने फैक्टर निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं, वो दोनों उस नंबर के फैक्टर होते हैं। 28 के फैक्टर 1 तो होगा ही और 28 भी होगा। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं इसके। ऐसे ही 29 है, जैसे कि 29 का फैक्टर 1 भी है और 29 भी है। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं अगर कोई और नंबर दिया गया हमें। ये 1 और ये खुद नंबर तो फैक्टर है ही है, इसके अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये दो फैक्टर्स जरूर होंगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि फॉर एग्जांपल कि 4 फैक्टर है 8 का, तो 8 मल्टीपल है 4 का, यानी कि जो 4 है वो 8 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर जो 8 है वो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। इसलिए 4 8 का फैक्टर है और 8 4 का मल्टीपल है, यानी कि इनके बीच में क्रॉस रिलेशनशिप है। तो हमने पढ़ा था कि अगर x फैक्टर है y का तो डेफिनेटली y मल्टीपल होगा x का। तो याद रखिए सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर का फैक्टर है और फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का मल्टीपल है, वाइस वर्सा है, ये बिल्कुल रिवर्स है एक दूसरे के। तो यहाँ पर हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि कुछ नंबर्स हैं जिनके दो ही फैक्टर्स हैं, पहला 1 है फैक्टर और दूसरा वो खुद नंबर है। जैसे कि यहाँ पे नंबर है 7, इनको हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। प्राइम नंबर वह नंबर जिनके दो ही फैक्टर हों, एक 1 और वह खुद का नंबर, ठीक है। जिन नंबर के दो ही फैक्टर होंगे उनको हम प्राइम नंबर कंसीडर करेंगे, जिन नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे उनको हम कंपोजिट नंबर कंसीडर करेंगे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। और आपको फैक्टर और मल्टीपल्स भी क्लियर होंगे यहाँ पर। फैक्टर्स वह नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं और मल्टीपल्स वह नंबर जो दिए हुए नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल हो। जैसे कि यहाँ पर अगर 4 के फैक्टर 1, 2, 4 है तो 4 मल्टीपल भी है 1, 2 और 4 का।